जब दाऊ बाबा का विवाह हुआ तो हमारे बाल कृष्ण जो अब द्वारिका में द्वारिकाधीश हो गए हैं, अब वो कहाँ पीछे रह जाएंगे। इनके लिए भी एक कुंडनपुर से पत्र आया है। पत्र में लिखा है कि मैं पति रूप में हे द्वारिकाधीश आपको वरण कर चुकी हूँ, आप कृपा करके मुझे स्वीकार करें, मेरा वरण करें, मुझसे विवाह करें, अन्यथा मैं अपने प्राण दे दूंगी। ब्राह्मण देव पत्र लेकर आते हैं और वहां भगवान श्री कृष्ण उस पत्र को पढ़ करके सुनते समझते हैं, ब्राह्मण की बात समझते हैं, पत्र पढ़ते हैं, स्थितियां देखते हैं और फिर चले जाते हैं मैया रुक्मणी को कुंडनपुर से लेने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार मैया रुक्मणी जी के साथ जहाँ द्वापर में हुआ था, आज हम यहाँ अपनी इस कथा के मध्य में रुक्मणी मंगल विवाह का उत्सव और आनंद भी मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जब कुंडनपुर विदर्भ देश के लिए गए तो गौरी पूजन के लिए आई हुई माता रुक्मणी जी को रथ पर बिठा कर लेकर आने लगे तो सब राजे महाराजे टूट पड़े युद्ध के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने सबके साथ युद्ध किया और युद्ध में परास्त करके द्वारिका लेकर के मैया रुक्मणी जी को पहुंचे हैं। और रुक्मणी जी जब द्वारिका में आई है फिर यहाँ विधि विधान से विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार भगवान द्वारिकाधीश और माता रुक्मणी का हुआ है। बोलिए रुक्मणी मैया की, द्वारिकाधीश भगवान की। आज हम सब भी झांकी के रूप में भगवान का दर्शन करेंगे, उस भाव को दर्शन करते हुए। और उस दिन की तरह नहीं, उत्सव जब भगवान बाल गोपाल का नंदोत्सव था तब सब खड़े हो गए थे एकदम, ऐसा नहीं करना। सब अपनी जगह पर बैठेंगे, शांति से दर्शन करेंगे। भगवान की दृष्टि सभी पर है इसलिए अव्यवस्था न करें, शांति से बैठ करके इस विवाह में सम्मिलित हों इस उत्सव में। द्वारिकाधीश हमारे बीच में पधार रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं झांकी के माध्यम से और यहाँ कथा के माध्यम से भागवत जी दर्शन करा रही है। आप सब अपने मन में दर्शन करें और उत्सव मनाएं, खूब आनंद उत्सव मनाएं। एक विवाह पर गीत लिखा है मैंने, वो भाव से हम लोग गाते हैं। विवाह उत्सव में मंगल विवाह है, कितने लोग भगवान की बारात में चलेंगे वो बताओ, सब जाएंगे, पर भगवान तो बारात में किसी को ले ही नहीं गए थे, वो तो अकेले ही चले गए थे। और तो और दाऊ बाबा को भी नहीं बताया, वो भी पीछे पीछे गए थे। तो हम सीधे द्वारिका चलते तब बात बन सकती है। द्वारिका में जाकर प्रभु के साथ हो लेते हैं, मैया रुक्मणी के भी साथ हैं और दाऊ बाबा ठाकुर जी सब परिवार में सम्मिलित होते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान, मंगल विवाह रुक्मणी का, मंगल विवाह श्री हरि का, भगवान जी रुक्मणी मैया को और ले आओ। आप तो इतनी शीघ्र गए थे उस समय विवाह के लिए, अब इतनी देरी से आओ, सब झांकी का दर्शन करते हैं। ठाकुर हमारे पहुंच गए, थोड़ी तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जी। माता रुक्मणी है वो, साक्षात लक्ष्मी है वो, तो उनके दर्शन के लिए थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। और भाव से उस आनंद उत्सव में चलते हैं। मंगल विवाह रुक्मणी का, मंगल विवाह श्री हरि का, मंगल विवाह श्री हरि का, मंगल विवाह।
हवाला करते हैं भगवान द्वारिकाधीश और माता रुक्मणी का। पहले माता रुक्मणी जी वरमाला पहनाएंगी और हम रुक्मणी मैया की जय बोलेंगे, ठीक है, और फिर भगवान माता जी को बोलो रुक्मणी मैया की जय हो। अब द्वारिकाधीश भगवान रुक्मणी जी को वरमाला पहनाएंगे और फिर हम ठाकुर जी की जय जयकार करेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।